हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में मेरे पास में है ये पीट्रोन का एक नया बजर प्राइज वाला गेमिंग TWS जिसका नाम है पीट्रोन बेस बर्ड्स इपिक। भाई मैंने इसका वीडियो पहले अपलोड किया था, काफी अच्छा रिस्पांस है आपका इस वीडियो पे और बहुत भाई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जल्दी से अनबॉक्सिंग वीडियो लाओ और हमको बताओ कि भाई कैसा है प्रोडक्ट, हमको बाय करना चाहिए या नहीं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस नए TWS को अनबॉक्स। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि भाई ओनली 4799 के प्रोडक्ट है एंड जो इसमें फीचर्स वगैरह है ना वो काफी बढ़िया दिए गए हैं। लेकिन जो फीचर्स है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो सभी चीजें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी एंड वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, उसके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो भाई पीट्रोन का आपको यहां पर लोगो मिलेगा, इपिक यहां पर जो मॉडल नेम है वो यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा। कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स है जैसे कि यहां पर बढ़िया साउंड आपको मिलेगा एंड लो लेटेंसी ट्रांसमिशन आपको मिलेगा जो कि गेमिंग के लिए है। बाकी इधर आपको कुछ सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा कि क्या क्या फीचर्स है, बाकी और कुछ यहां पर नहीं मिलता है। सीधा से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या देखने मिलता है। बाकी मैंने प्रोडक्ट को यूज कर लिया है। भाई देखो यहाँ पर आपको टाइप सी का केबल मिल जाएगा जो कि चार्जिंग के लिए है। काफी अच्छा है कि एक बजर प्राइस में आपको टाइप सी मिल रहा है। बाकी आपको मैनुअल वगैरह वारंटी वगैरह रजिस्टर्ड करनी है तो आपको स्कैनर मिल जाएगा और इसमें आपको कुछ ईयर टिप्स भी फ्री मिल जाते हैं क्योंकि ईयर टिप्स वाला डिजाइन है तो अपने अकॉर्डिंग कानों के साइज के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी फाइनली है ये हमारा TWS ब्लूटूथ, क्योंकि आप देख पाएंगे काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमको देखने मिलता है। तो अब बात करेंगे इसी नए प्रोडक्ट की कि भाई ये जो बेस बर्ड्स इपिक है आखिर क्या क्वालिटी साथ में लेकर आता है। देखो सबसे पहले केस की मैं बात करूंगा, सामने ही आपको यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा देखने मिलेगा जिससे कि आप अंदर के बर्ड्स वगैरह को देख सकते हैं। बाकी पीटोन का ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, इधर और इधर आपको LED लाइट मिल जाएगी। पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है जो कि चार्जिंग के लिए है एंड फुलोन यहाँ पर आपको मेट फिनिश में ये केस देखने मिलता है। स्क्रैचेस वगैरह काफी कम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे एंड जो क्वालिटी है वो बाहर से काफी अच्छी देखने में लग रही है। जिस प्राइस पॉइंट पे है उसके हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे LED लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। जो पीट्रोन का लोगो है बर्ड्स पर वहां पर आपको LED लाइट्स देखने मिल जाती है और एक छोटी सी LCD आपको अंदर देखने मिलेगी जिसमें कि ये केस कितना चार्ज है और ये बर्ड्स कितने चार्ज है वो यहाँ पर मेंशन है और R और L यहाँ पर LED के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे कि राइट में आपको कौन सा पहनना है और लेफ्ट में आपको कौन सा पहनना है। बाकी जो अंदर की क्वालिटी है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। ग्रीन कलर में सारे अक्षर लिखकर आते हैं, गेमिंग के हिसाब से ग्रीन कलर यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो हिंज की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी खासी आपको देखने मिल जाएगी। 799 की 800 रुपए की प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो केस की क्वालिटी है वो काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बर्ड्स की तो भाई बर्ड्स आपको मिलेंगे फुल ईयर टिप्स वाले डिजाइन में, क्योंकि पीछे की तरफ आपको यहाँ पर LED लाइट देखने मिल जाती है जो कि लोगो के ऊपर आपको मिलेगी, जो कि पीट्रोन का लोगो है उसमें आपको रेड एंड ग्रीन का कॉम्बो देखने मिलेगा और यहाँ पर एक अलग से सिल्वर से टिंट आपको देखने मिलेगी। बाकी जो क्वालिटी है बर्ड्स की काफी अच्छी आपको देखने मिल जाएगी। अब भाई बर्ड्स की क्वालिटी के साथ साथ में बर्ड्स की फिटिंग की बात कर लेते हैं कि इसमें फिटिंग हमको कैसे देखने मिलेगी। तो भाई मैंने इसको कानों के लिए निकाल लिया है बाहर। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो फिटिंग है वो काफी अच्छी मिल जाएगी। 8mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, फिटिंग मुझे काफी अच्छी लगी। PNC एक अच्छी तरीके की यहाँ पर मुझे मिल रही है, बाहर का जो नॉइस है वो यहीं से कैंसल आउट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको लगाया है। अच्छी खासी फिटिंग देखने के लिए मिल रही है। अब एक्चुअल में फिटिंग अच्छी होने से साउंड में क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका जो साउंड है वो एक्चुअल हमको कैसा देखने मिलता है। फिटिंग अकॉर्डिंग आप इसको जिम वगैरह के लिए आराम से यूज कर सकते हैं और रनिंग वगैरह के लिए अगर आप यूज करना चाहो तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखो भाई केस एंड बर्ड्स की बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, क्योंकि इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भाई इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, इंस्टेंट पेयरिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर इस कंडीशन में अगर आप इसको रखते हैं तो यहाँ पर ही आपके फोन से कनेक्ट नहीं होता है जो कि एक मुझे बहुत बुरी चीज लगी एंड यहाँ पर बर्ड्स को आप बाहर निकालते हो बहुत लेट करके ये फोन से कनेक्ट होता है। 5.3 दिया गया है, इंस्टेंटली पेयर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लेके ये कनेक्ट होता है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी मुझे इतना ज्यादा इसका अच्छा नहीं लगा। बाकी टच रेस्पॉन्स आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, जैसे आप टच वगैरह करते हैं जो भी आपको सॉन्ग को प्लेबॉज करना है वो टच रेस्पॉन्स काफी अच्छा आपको देखने मिल जाएगा। बाकी देखो भाई प्रोटेक्शन IPX4 का दिया गया है, अच्छा खासा है, जिम वगैरह के लिए यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। फाइनल बात आती है बैटरी बैकअप की बात, इसमें आपको मिलता है 35 hours का बैकअप जो कि ठीक है भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। 6 से 7 घंटे का बैकअप आपको बर्ड्स में मिल जाएगा वो भी ठीक है, बैटरी बैकअप कोई दिक्कत नहीं है। 800-900 की प्राइस में बैटरी बैकअप काफी अच्छा आपको देखने मिल जाएगा। साउंड की बात करते हैं भाई, साउंड इसमें मैं ठीक ठाक ही बोलूंगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड इसमें नहीं है। बेस काफी ज्यादा भरा हुआ है, यानी कि बेस काफी ज्यादा बूमी है, बेस ही बेस की आपको ज्यादा आवाज आएगी, लाउड बेस आपको देखने मिलेगा। बाकी क्या है ना कि जब भी आप सॉन्ग वगैरह सुनोगे तो बेस ज्यादा मिलेगा तो पीछे का जो साउंड होगा ना वो बिल्कुल दब जाता है, एक अच्छा क्लियर साउंड आपको नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप फिर भी बेस लवर हो, बेस आपको ज्यादा सुनना है, तब आप इसके तरफ जा सकते हैं, बेस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम सप्रेस साउंड सुनना चाहते हैं कि मुझे यार सभी चीजें एकदम क्लियर मिले तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर भर भर के बेस आपको मिलेगा। देन यहाँ पर अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करता हूँ तो भाई कॉल क्वालिटी इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। ड्यूअल माइक नॉइज कैंसिलेशन होते हुए भी यहाँ पर जो कॉलिंग क्वालिटी है वो इतना ज्यादा खास नहीं है। प्राइस का अकॉर्डिंग मैं इसको एवरेज बोलूंगा, जब भी आप कॉलिंग पे बात करते हो तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल दबी दबी सी आवाज आती है जिसको कि क्लियर आवाज आप नहीं बोल
पाते हो, क्योंकि सिंगल माइक होता तो मैं मान सकता था कि यार सिंगल माइक है, लेकिन ड्यूअल माइक होते हुए भी यहाँ पर जो क्वालिटी है वो इतना ज्यादा खास मुझे नहीं लगी। बाकी गेमिंग की बात करता हूँ तो भाई गेमिंग से पहले मैं एक छोटा सा एक टेस्ट आपको दे देता हूँ कोलिंग का, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा इसका जो माइक है वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। हाँ तो गाइस, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो वो इसी पीट्रोन के नए गेमिंग टेबलेट पीट्रोन बेसबर्स इपिक से सुन रहे हो। आपको मेरे से ज़्यादा आइडिया हो रहा होगा कि इसका जो एक्चुअल जो माइक है वो कैसे वर्क करता है, इसकी जो वॉइस है वो हमको कैसे देखने के लिए मिलती है। अभी जो है मेरा रूम का जो फैन वगैरह है वो ऑन है, तो आपको बाहर का जो नॉइस होगा वो भी अच्छे से सुनाई में आ रहा होगा। बाकी अब बात करते हैं गेमिंग की, तो इसमें आपको 40 ms की लेटेंसी मिल जाती है, एक स्पेसिफिक गेमिंग मोड मिलता है जिससे कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। भाई मैंने इसमें गेमिंग किया है, COD मैंने प्ले किया है, मुझे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिली गेमिंग में भी। यहाँ पर लेटेंसी का इशू आपको आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग करते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक प्रो लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं, एक अच्छा स्टेबलाइजर आपको चाहिए, तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। तो भाई देखो, फाइनल बात पे आते हैं कि भाई लेना है या नहीं लेना। तो भाई देखो, अगर आपका मोटिव ओनली फॉर बेस सुनना है, हल्की फुल्की गेमिंग आपको करना है, तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं इसको 799 की प्राइस में भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसको 799 की प्राइस में भी बाय कीजिए, क्योंकि यार देखो बैटरी बैकअप भले ही अच्छा खासा मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी भले ही अच्छी मिल रही है, लेकिन इसका जो गेमिंग है, इसका जो कूलिंग है, इसका जो साउंड है, वो इतना ज्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अभी और सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि 1000-1200 रुपए में आपको मिल रहे हैं, तो आप दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इतना ज्यादा ये खास नहीं लगा। बाकी इसके साथ में फिर भी कोई आपको किसी के साथ में कंपैरिजन वीडियो चाहिए या फिर भी कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।